मैं ये कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी लॉकडाउन में ढील देने के बाद। थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे चिंता तब होगी जब दो बातें अगर होंगी। एक तो ये कि अगर मौत का आंकड़ा बहुत तेजी से अगर बढ़ने लगेगा, जैसा मैं बार बार कहता रहा कि हमें कोरोना अभी कोई आज या कल में जाने वाला नहीं है, कोरोना तो रहेगा। अब अगर कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो के अपने घर जाते रहें तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है। तो एक तो ये कि मौत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, मौत के आंकड़े को हम कोशिश करके सबको बचा सकें, सब मौत के आंकड़े को कम से कम रख सकें। और दूसरा ये कि जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हों कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल इतने मरीज आने लग गए, इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। कल तक दिल्ली में 13,418 केस थे, टोटल अभी तक पॉजिटिव केस 13,418 आए। इनमें से 6,540 ठीक हो गए और 6,617 अभी बीमार हैं। तो लगभग जितने ठीक हुए उतने बीमार हैं, लगभग 6,500 ठीक हो गए, 6,500 अभी बीमार हैं। मोटा मोटा 261 लोगों की मौत हो गई। आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि आज दिल्ली में अपने अस्पतालों का क्या स्टेटस है, जो कोरोना से कोरोना के अस्पताल हैं, कोरोना के जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें 3,829 बेड हैं टोटल। सरकारी अस्पतालों में 3,829 बेड हैं जिनमें 3,164 बेड्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है। मैं बार बार ऑक्सीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोरोना की कोई दवाई नहीं है। जिस पेशेंट को कोरोना हो जाता है उसको एक तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दूसरा उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, तो उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऑक्सीजन सबसे क्रिटिकल है उस ऐसे पेशेंट के लिए, कोरोना के पेशेंट के लिए, जो सीवियर पेशेंट होते हैं कोरोना के, जो मामूली सिम्टम्स होते हैं उनको नहीं, जो सीवियर पेशेंट होते हैं कोरोना के उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। 3,829 बेड सरकारी सिस्टम में हैं, उनमें से 3,164 बेड्स पे ऑक्सीजन है। 3,829 में से केवल 1,478 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो 4,000 बेड हैं जिसमें से 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, 2,500 बेड्स अभी खाली हैं सरकार में। 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड है, 2,500 बेड अभी खाली हैं। सरकार के पास 250 वेंटिलेटर हैं, उनमें से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज हो रहे हैं, लगभग 240 वेंटिलेटर खाली हैं। आज से एक हफ्ता पहले जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? 17 तारीख को लॉकडाउन में ढील दी गई थी, उस दिन टोटल पेशेंट दिल्ली में पॉजिटिव 9,755 थे, आज 13,418 हैं। एक हफ्ते के अंदर लगभग 3,500 पेशेंट्स बढ़ गए। इसी के साथ साथ एक हफ्ते के अंदर 2,500 लोग ठीक होकर घर चले गए, 3,500 बढ़ गए और 2,500 ठीक हो गए। तो जैसे मैंने बताया कि लोग ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लेकिन ठीक भी साथ साथ होते जा रहे हैं। लेकिन इसकी